नमस्कार दर्शक मित्र, आप देख रहे हैं सीएनसी सीटीवी न्यूज़। मैं वैभवी भावसार आपके साथ। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात निधन हो गया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया था। निधन से 3 घंटे पहले सुषमा ने एक ट्वीट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि जीवन में इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। मोदी जी ने कहा कि सुषमा जी का निधन मेरे लिए निजी क्षति है। सुषमा जी का पार्थिव शरीर एम्स से उनके घर ले जाया गया। बुधवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सुषमा जी के पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा। मोदी जी ने सुषमा के निधन पर कहा, भारतीय राजनीति के एक गौरवपूर्ण अध्याय का अंत हो गया। गरीबों और समाज के लिए जीवन देने वाली अद्वितीय नेता के निधन पर पूरा भारत दुखी है। सुषमा स्वराज जी अपनी तरह की अकेली इंसान थी। वे करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत थी। सुषमा जी ने सबसे पहला चुनाव 1977 में लड़ा, तब वे 25 साल की थी। वे हरियाणा की अंबाला सीट से चुनाव जीतकर देश की सबसे युवा विधायक बनी। उन्हें हरियाणा की देवीलाल सरकार में मंत्री भी बनाया गया। इस तरह वे किसी राज्य की सबसे युवा मंत्री रही। 90 के दशक में सुषमा जी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। अटल जी की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1998 में उन्होंने अटल जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इसके बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई। पार्टी की हार के बाद सुषमा जी ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी और राष्ट्रीय राजनीति में लौट आई। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सुषमा जी दक्षिण दिल्ली से सांसद बनी थी। इसके बाद 13 दिन की अटल जी की सरकार में उन्हें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। मार्च 1998 में दूसरी बार अटल जी की सरकार बनने पर वे एक फिर से आईबी मिनिस्टर बनी। 1999 में उन्होंने बेल्लारी लोकसभा सीट पर सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वे यहां हार गई। सुषमा जी 2009 और 2014 में विदेश से लोकसभा चुनाव जीती। 2014 से 2019 तक वे विदेश मंत्री रही और दुनिया भर में भारतीयों को उन्होंने एक ट्वीट पर मदद मुहैया कराई। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। भाजपा की जीत के बाद चर्चा हो रही थी कि वे दोबारा विदेश मंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के चलते मंत्री पद नहीं लिया। सुषमा जी का पार्थिव देह भाजपा मुख्यालय में भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां से उनका आखिरी सफर शुरू होगा और दोपहर बाद लोदी रोड स्थित विश्राम घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा जी को उनके जंतर मंतर स्थित आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बाबा रामदेव, भाजपा सांसद हेमा मालिनी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, बसपा प्रमुख मायावती, कैलाश सत्यार्थी समेत कई हस्तियां उनके आवास पर पहुंची। राज्यसभा में सुषमा जी को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति नायडू ने कहा कि वे मुझे रक्षाबंधन पर बहुत याद आएगी।